क्योंकि आपकी फिल्म को हिंदी बेल्ट में चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल ही है क्योंकि आपने सिर्फ ट्रेलर हिंदी में डाला है। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी दोस्तों, थालापति विजय का ट्रेलर रिलीज हुआ है। पिक्चर का नाम है बीच तमिल में, लेकिन हिंदी में नाम रखा है रार। और AW रार। हमारे साथ में आ गया हमारा मुंबई का फर्स्ट इडियट, बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने देखा है थालापति विजय का ट्रेलर रॉ बीच, जो भी नाम बोलो, कैसा लगा आपको? अरे दोनों नाम फाड़ू है यार। ओके। और थालापति विजय, अरे क्या बोलूं इनके बारे में। अरे जिस तरह से वो पीछे कैसा एक हथियार, उसके बाद फुल सूट, और जो एक्सप्रेशन और स्लो मोशन का शॉट, और जब ऐसे आते हैं ना थालापति विजय, तालियां बजनी चाहिए वो सीन पे यार। क्या जबरदस्त ट्रेलर है। मुझे जब मैंने तमिल में मैंने ये जब ट्रेलर देखा तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया, घंटा कुछ समझ भी नहीं आया। मैं बोला ये क्या घंटे की तरह दिखा रहे। लेकिन जब हिंदी में मैंने आज 6 बजे देखा, सीटियाँ मारने का मन कर रहा है, मेरे मुझे आती नहीं है, लेकिन उनके एंट्री पे मैंने ऐसे तालियाँ बजाई। मतलब मैंने डेस्क पे फ़ोन रख के मैं जब ट्रेलर देखा तो इट्स माइंड ब्लोइंग यार। मतलब मज़ा आ गया। यस यस, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट मुझे नहीं मालूम क्यों, क्योंकि नेल्सन दिलीप कुमार उनका जो डायरेक्टर का नाम है, उनकी अभी एक फिल्म आई थी डॉक्टर। जब वो डॉक्टर जो फिल्म मैंने देखा नहीं, लेकिन उसके रिव्यूज़ मैंने जब पढ़े, रिव्यूज़ सुने भी, तो माइंड ब्लोइंग है। तो ये पिक्चर से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फिल्म ज़बरदस्त निकले। और लेकिन 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 एक टक्कर की बात भी है, एक नहीं डेढ़ वाली टक्कर। एक पीछे एक टक्कर, वो एक है और जर्सी आधा है यहाँ पे है। हाँ तो मुझे ऐसा नहीं लगे जर्सी की तरह फिसल जाए, वैसा ना हो। पहली बात, बीस तो होगी, वो तो ब्लॉकबस्टर का टैग अभी से ही फिक्स पकड़ लो, क्योंकि जब 2020 में फिल्म आई थी विजय द मास्टर, अरे क्या बोलूँ यार, वो तो फिल्म ने पूरा 100 करोड़ पार कर दिया हिंदी बेल्ट में। तो सोच लो ये बीस्ट और रॉ, अरे क्या तबाही मचाएगी बॉक्स ऑफिस पे। विजय द मास्टर आई थी तो थालापति विजय ने कहा था कि ये पिक्चर मैंने रुका के रखी है थिएटर वालों के लिए। एग्जैक्टली, थिएटर वालों के लिए पिक्चर रुका के रखी थी, OTT पे नहीं दी थी। बराबर OTT पे देने के लिए। बराबर। लेकिन सबसे पहली बात, जो उनका डायरेक्टर का मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, लेकिन मुझे म्यूजिक डायरेक्टर का नाम है अनिरुद्धम, जिन्होंने मारी फिल्म को इतना ब्लॉकबस्टर बनाने का हाथ उनका भी है। जब उन्होंने वो जो म्यूजिक बनाई थी मारी, और उसके बाद थालापति विजय द मास्टर में एक गाना था ना, वो एक उनका सिग्नेचर ट्यून था, वो ऐसा 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 वाला, हाय 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 हाय, एकदम रॉर। और उसके बाद एक वो एक अरेबिक कुत्तू, वो भी एक सॉन्ग, अरे 300 मिलियन पार हो गए वो सॉन्ग्स पे, तो सोच सकते हो। पूजा हेगड़े जब कमर हिलाती है ना, हाय हाय, हम लोग दिल हिल जाते रहे। ओह माय गॉड, क्या बात, इतनी जबरदस्त। और थालापति विजय जब आते ना ऐसा ऐसा करके, आए हाय, थिएटर में तो ऐसी कयामत आ जाएगी यार। और क्या लग रहा है हिंदी बेल्ट में कितने स्क्रीन्स मिल सकते हैं थालापति विजय के पिक्चर को, रॉ को? यस, बड़ी बड़ी फिल्में हैं। यस यस सर, बॉलीवुड की जर्सी है आपके पीछे खड़े हथौड़ा लेके, रॉकिंग स्टार यश, सबसे बड़ी पिक्चर कह सकते हैं। अरे 14 अप्रैल को। यस यस सर, ये आने वाले एक दिन पहले 13 अप्रैल। एक्चुअली जब आपको एक मालूम होगा कि जब 2019 में एक फिल्म आई थी एवेंजर द एंड गेम, उसका जो हाइप था, एक हाइप, उसके बाद आई थी एक फिल्म सूर्यवंशी, लॉकडाउन के पहले उसका जो हाइप क्रिएट हुआ था, लिटरली कंपैरिजन किया था। बोलते हैं ना द मोस्ट अवेटेड फिल्म, लेकिन इसको मोस्ट अवेटेड नहीं, दुनिया की मोस्ट अवेटेड फिल्म बोल सकते हैं इसको, वर्ल्ड मोस्ट अवेटेड फिल्म। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई इंडिया की फिल्म ग्रीस में भी रिलीज हो रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि जब ये साहब आ गए ना थिएटर में, ऐसी त्यौहार होगा, क्योंकि जब बहुत सारे थिएटर्स बंद हुए थे, अब उनको भी कॉन्फिडेंस हो गए कि अभी पब्लिक आ रही है तो अपना खर्चा और पेटी सब भरेंगे। RRR के बाद में वो कॉन्फिडेंस आया है, मुंबई का एक बहुत जाना माना सिंगल स्क्रीन थिएटर पैराडाइज। यस यस यस, माहिम का जब पैराडाइज जब हम लोग देखते तो मुझे बहुत दुख होता था। एक प्रीमियर सिनेमा में अभी भी दुख होता है, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ, इनफैक्ट भारत माता। लेकिन इतना है कि जब इन लोगों को कॉन्फिडेंस आया ना, तो कॉन्फिडेंस भरेगा भी, और इनका ये जेब है ना, जेब कभी खाली नहीं होगा। ऐसे टाइप के पिक्चर आएंगे ना तो चलेगी चलेगी, लेकिन जर्सी
मुझे थोड़ा डाउट है जर्सी के बारे में, क्योंकि मेरे को देखो शाहिद कपूर, मैं जब कबीर सिंह देखा था मैं स्पीचलेस हुआ था उनका परफॉर्मेंस देख के, लेकिन उन्होंने मेहनत की है, लेकिन थोड़ा डर भी है क्योंकि उन्होंने क्लैश नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं दिल राजू एंड अल्लू अर्जुन के पिताजी को क्या हो गया, आई डोंट नो। जब शहजादा बना है, शहजादा भी बन भी रही है, उनका भी रीमेक, ये भी रीमेक, तो अभी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो ये फिल्म तो साइड में रखो, लेकिन ये साहब और थालापति विजय आमने सामने जब टक्कर होगी ना, अरे आइटम बॉम्ब की तरह फूट जाएगा थिएटर भाई, इतना जबरदस्त। ट्रेलर में कोई डायलॉग याद आ रहा है? हाँ, डायलॉग एक्शन, यस यस यस, उनका जब एक बैठते हैं और वो एक बाजू वाला डरा हुआ रहता है, क्या डर गया? अभी तक धमाका बाकी है। हाय 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 हाय, मतलब एक वैसा धमाका 13 अप्रैल को हुआ ना, तो ये भी फिल्म उससे भी बड़ा धमाका करेगी। लेकिन उतना ही प्रॉब्लम है कि सिर्फ थिएटर्स डिवाइड हो जाएंगे, स्क्रीन्स डिवाइड हो गए, वही थोड़ा डूके, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन्स लेगा। यस, मेरे हिसाब से तो लेगा, क्योंकि अनिल थड़ानी है, ए फिल्म से एक्सेल एंटरटेनमेंट है, फरहान अख्तर जी ने इतना पैसा फूक के डाला है, तो ऑफकोर्स उन लोग तो स्क्रीन्स देंगे ही देंगे। और सन पिक्चर्स तो शायद अभी आया है मेरे हिसाब से, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनको ज़्यादा स्क्रीन्स मिल पाएंगे। थालापति ने आना चाहिए मुंबई प्रमोट कर। यस यस, मैं पहली बार ये बहुत दोहराऊंगा, आज ही सर जी आए और दूसरे सर आए ना, तो आपकी फिल्म चलेगी, क्योंकि आपकी फिल्म को हिंदी बेल्ट में चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी के टाइम पे थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि आपने सिर्फ ट्रेलर हिंदी में डाला है। दो दिन बाद डाला था, ऐसा ना हो कि फिल्म भी दो दिन बाद आए, ऐसा भी ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो प्रमोशन पे ध्यान दो, क्योंकि हिंदी ऑडियंस को समझना चाहिए कि द बिग मासिस सुपरस्टार थालापति विजय भी आए मुंबई में, और सबको बोले कि बाबा प्लीज़ बीच देखने और रॉ देखने आओ यार। ऐसा ना हो कि बाबा सूर्या की तरह इटी वो भी ऐसा फ्लॉप हो जाए, वो मिट्टी कौन सा एक फिल्म थे मड़ी वो भी वैसे फ्लॉप हो जाए, वैसा नहीं चाहिए हमको। ईटी को भी स्क्रीन्स बिल्कुल नहीं मिले। अरे बिल्कुल, अरे अरे कितना 400 अच्छा था, साउथ में अच्छी चली थी, और गेटी गैलेक्सी में सिर्फ एक ही शो। यस, तो और किधर भी शो नहीं लगे, तो प्रमोशन पे ध्यान दो, बस इतना ही बोलो। तो हमारे मुंबई के फर्स्ट एडिट कह रहे हैं कि ट्रेलर काफी अच्छा है। यस सर, बीस्ट तमिल में नाम है पिक्चर का, रॉ हिंदी में नाम है। यस सर, उन्होंने अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दिया है, उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी टक्कर होने वाली है रॉकिंग स्टार यश के साथ में। यस सर, बॉलीवुड के शाहिद कपूर है और थालापति विजय, अब देखते 13 और 14 अप्रैल को क्या होता है बॉक्स ऑफिस। और पहली बात जब वीकेंड भी जो जिस तरह से चालू हो रहा है ना, अरे सबको छुट्टी है, क्योंकि 14 अप्रैल को भीम जयंती है, उसके बाद फ्राइडे को गुड फ्राइडे है, उसके बाद सैटरडे को क्या पब्लिक तो आराम से जाएगी, क्योंकि हाफ डे है, और उसके बाद संडे, तो समझ चलो कि थिएटर कभी खाली नहीं होंगे, थिएटर सिर्फ और सिर्फ भरेंगे और पब्लिक आएगी कह रहे हैं हमारे मुंबई के फर्स्ट पीरियड। लेट्स सी ऑन 13th एंड 14th अप्रैल क्या होता है बॉक्स ऑफिस में। थैंक यू सर।